आप ठीक कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कई बार स्ट्राइक हुई, ये साल दो साल में कई बार स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह का प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, आपको मरीजों के को ऊपर रखना पड़ेगा, और ये सारे के सारे उसके उसके भी आगे ये सारे के सारे बच्चे आप पढ़ने के लिए आए, अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए आए, और उस एजुकेशन पूरी एजुकेशन में सरकार का भी अपना सहयोग करने के लिए। तो मैं ये बात इस बात के लिए स्ट्राइक करना किसी भी मांग के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं, जबकि सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, मंत्री जी ने खुद ने इनसे बात की, जो हमारे विभाग के मुख्य हैं, और उन्होंने इनको इनको इनकी हर बात का मतलब जो भी इनको जेन्युइन बातें लगी उनको कंसीडर करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्राइक करना मुझे नहीं लगता। दूसरे राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान देखिए स्टाइफंड में स्टाइफंड का जो इनको अमाउंट है वो ठीक है, वो उचित है, यदि हम पूरे कंट्री में लें तो कम से कम पिरामिड के ऊपर वाले पार्ट में, हम नीचे वाले पार्ट में नहीं, हम ज़्यादातर स्टेट से ज़्यादा स्टाइफंड दे रहे हैं, तो ऐसे में कि वो बढ़ाना ही चाहते हैं तो बात करके उस पर नतीजे पर पहुँचा जा सकता है, उसकी स्ट्राइक करना कहाँ पर हो सके। और देखिए सभी तरह की बातें चल रही हैं और हम लोग हर लेवल पे हर तरह से कंटेनमेंट प्लान लिया हुआ है, हमने हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार का वैकल्पिक इंतजाम किया गया? जैसे अभी अभी मैंने 100 डॉक्टर्स मांगे थे मेडिकल ऑफिसर के, तो वो आ गए, जूनियर रेजिडेंट्स ने 120 ने तुरंत ज्वाइन कर लिया, सारे फैकल्टी मेम्बर्स इवन प्रोफेसर तक को मैंने फ्लोर ड्यूटीज पर लगा दिया। आप अभी भी देखेंगे तो आज ओपीडी में थोड़ा भीड़ तो होती है ऐसा उसमें, लेकिन ओपीडी में सभी को देखा जाए, इमरजेंसी बदस्तूर जा रही है, इमरजेंसी के बाद जो पेशेंट वार्ड में पहुंचे हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है, उनका भी पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो एज और रेजिडेंट तो व्यवस्था का एक पार्ट है, हमारे साथ हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है और बाकी डॉक्टर्स भी हैं जिसमें JRs हैं, SRs हैं, दोनों काम कर रहे हैं, लेक्चरर्स हैं, सब काम कर रहे हैं, तो बहुत 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 बड़ा हमारा ग्रुप है, उसमें से भी एक पार्ट स्ट्राइक करता तो व्यवस्था को कलप नहीं होने देंगे। सर व्यवस्था गलत नहीं, लेकिन रेजिडेंट के जाने से ऑपरेशन पे किस प्रकार का असर पड़ा है? देखिए थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है ना, मैं उसको निराई नहीं करता हूँ, लेकिन लेकिन किसी भी मतलब जो जो व्यवस्था है उनको वापस से रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी बातें कह रहे हैं लगातार, उनकी बातें सरकार को भी पता है, मुझे भी पता है,